हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द सेल, दैट मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट सेल। बेटा ये सेल आपकी बायोलॉजी वाली नहीं है, दिस इज अ डिवाइस, राइट? सबसे पहले अपन सेल को डिफाइन करेंगे। और सेल यहां पे अपने पास में टू टाइप की होंगे, कौन कौन से? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज क्लियर। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? सेल की बात करते हैं। सेल जो होगा आपका एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। सेल क्या है? इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इट इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। क्या कर रही है अपने पास में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइस वर्सा होती है। इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल, दैट इज क्लियर। दोनों काम होता है इसका। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल को, और केमिकल कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल को, राइट? दीज आर कॉल्ड सेल। और सेल को अगर अपन किसी पर्टिकुलर सीरीज में कनेक्ट कर दे तो वहां पर जो डिवाइस ऑब्टेन होती है उसको अपन क्या कहेंगे? बैटरी। क्या कहेंगे बेटा उसको? बैटरी। जैसे आपको नजर आ रहा है यहां पर सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो आपने इस तरह से पढ़ा होगा, ये प्लस और ये माइनस, और इस तरह से अपन यहां पर बहुत सारे बना दे तो क्या बन जाएगी आपकी? ये बैटरी। पर्टिकुलर आपका सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है सेल्स का तो क्या फॉर्मेशन होती है अपने पास में? बैटरी। क्लियर? आपने पास में सेल कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। फर्स्ट होगा आपका कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। किसकी बात करेंगे अपन? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट? सेकेंड होंगे आपके पास में कौन से? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसकी बात करेंगे अपन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट? थर्ड अपन यहां पर बात कर लेंगे जो लास्ट टॉपिक में आएगा अपना, फ्यूल सेल। इसकी बात करेंगे अपन? फ्यूल सेल। बट मेनली अपने पास में टू ही टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थर्ड वन अपन डिस्कस करेंगे अपन लास्ट में, फ्यूल सेल। और आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको इन्हीं के टाइप मिल जाएंगे, कंसंट्रेशन सेल। तो फिलहाल अपन टू सेल्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेकेंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज अपन डिस्कस करेंगे कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर? अब देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। फर्स्ट वन आपका कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखिए, इन द डेफिनेशन ऑफ सेल वी टॉक अबाउट द कन्वर्जन ऑफ टू टाइप ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? अब अपन ने सेल का डिवाइडेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर? तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच टाइप ऑफ सेल इन विच या दैट टाइप ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी। वहां दोनों की बात की थी, यहां पर्टिकुलर एक की बात करेंगे। दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। तो यहां पर अपन किसकी बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आई बात समझ में? मेनली वर्क कहां होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको यहां से एज ए एक्सटर्नल सोर्स, इसकी बात करेंगे अपन,
एक्सटर्नल सोर्स जो क्या होगा अपने पास में, बैटरी। क्या होगा बेटा, बैटरी की हेल्प से यहां पर अपन क्या प्रोवाइड करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उससे क्या होगी आप पर केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी अपने पास में, केमिकल रिएक्शन होगी, और उन केमिकल रिएक्शन से क्या ऑब्टेन होगी अपने पास में, केमिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट मीन्स अपन यहां पर किससे देंगे, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज द बैटरी। जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन से क्या ऑप्टेन होगा अपन को, केमिकल एनर्जी ऑप्टेन होगी। क्लियर। तो अपने पास में दैट टाइप ऑफ डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अपने स्टार्टिंग बात कर ली थी चीज, यहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। कौन सी होती है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इन दिस टाइप ऑफ सेल रेडॉक्स रिएक्शन दैट मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, इसके बारे में बात करूंगा मैं आपको। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, देन एनर्जी ऑफ, देन रिलीज एनर्जी आल्सो इंक्रीज, दैट मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, जीरो से ज्यादा होती है। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कौन सा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, इन दिस सेल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस एट पर्टिकुलर प्रोसेस इन मैनर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन विच फ्री एनर्जी आल्सो इंक्रीज, फ्री एनर्जी आल्सो इंक्रीज, दैट मीन्स डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस। आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछेगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है, डेफिनेशन। इसकी बात होती है आपकी डेफिनेशन, वो आपकी क्लियर हो चुकी, डेफिनेशन क्लियर है या नहीं है सबकी। सेकेंड चीज करता है आपका डायग्राम की, इसकी बात करता है बेटा डायग्राम की, वो आपके सामने है। थर्ड बात करता है आपका केमिकल रिएक्शन की, बस इसके अलावा छोटी बात नहीं करता है, क्योंकि अपने केमिस्ट्री में बाउंडेशन है। केमिस्ट्री में क्या है, बाउंडेशन है, वन मार्क्स, तो वन मार्क्स में या तो डेफिनेशन या डायग्राम या केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन क्लियर हो चुकी, और कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई इसमें। अब बात आती है कि इसमें इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो डायग्राम में आ जाएगा अपने पास में। अब देखिए बेटा, मैं आपको किसकी बात कर लेता हूं, मैं इलेक्ट्रोड की बात कर लेता हूं, किसकी बात करता हूं मैं, इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड मेनली किसका बना होता है, मेटल का, किसका फॉर्मेशन होता है, मेटल का। तो मेटल की वो सरफेस जिस पर क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, या इजीली इलेक्ट्रोकेमिकल, सॉरी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। इलेक्ट्रोड द सरफेस ऑफ मेटल वेयर एज केमिकल रिएक्शन इजीली टेक प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, लाइक एज जिंक इलेक्ट्रोड, आयरन इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसके अलावा बात करेंगे मैंगनीज इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड, बहुत सारे होते हैं आपके। क्लियर। तो यहां पर इलेक्ट्रोड क्या होगी, एक मेटल सरफेस होगी जिस पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, राइट। तो यहां पर अपन ने इस सेल में एक कंटेनर ले रखा है, उस कंटेनर में यहां पर अपन ने क्या फिल कर रखा है, HCl सॉल्यूशन, जो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ए कंटेनर इन विच फिल्ड HCl सॉल्यूशन दैट इज बिहेव एज ए इलेक्ट्रोलाइट,
क्लड मीन्स दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू देयर आइंस, उसको क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रोलाइट। इन दिस सॉल्यूशन टू इलेक्ट्रोड, टू मेटलिक इलेक्ट्रोड किसके, प्लेटिनम के, आर डिप्ड एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय बैटरी, कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय बैटरी, राइट। जो लेफ्ट साइड में है अपने पास में वो एनोड होगा, दैट मीन्स वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। ये वाला क्या होगा आपका, एनोड, दैट मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, केथोड, दैट मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब यहां पर ये एनोड केथोड इनका नाम कैसे हुआ वो भी अपने यहां क्लियर कर लेते हैं। देखिए बेटा ध्यान से समझते चलिएगा, एनोड एंड कैथोड बिल्कुल क्लियर, वेयर एज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, वेयर एज रिडक्शन टेक प्लेस। अब मैं कहूं लेफ्ट साइड राइट साइड, अगर मैं सेल को उल्टा कर दूं तो लेफ्ट राइट आपके चेंज होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, हो जाएंगे ना। तो लेफ्ट और राइट को तो अपन चेंज कर सकते हैं, जैसे सपोज मान लो लैब में रखा हुआ है ऐसे कैसे ये सेल, मैंने उल्टा कर दिया घुमा के तो लेफ्ट और राइट तो चेंज हो गया, तो इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोड वेयर एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड, ऑलवेज ऑलवेज सेल कोएसिव टाइप का हो दुनिया का, ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। The electrode where edge या surface of electrode where edge oxidation reaction take place is called anode. बात क्लियर है। And the electrode surface where edge reduction reaction take place is called cathode. लेफ्ट में हो सकता है राइट में हो सकता है, क्योंकि अपन घुमा सकते हैं उसको आराम से, ये तो चलो अपने बोर्ड पे इसको नहीं घुमा सकते, बट पर्टिकुलर सेल जो आप फिजिक्स लैब में जाओगे तब आपको पता लगेगा कि सेल को अपन कैसे घुमा सकते हैं। क्लियर, तो वहां पर एनोड पॉजिटिव से मतलब नहीं, वो जहां पर रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड, और जहां पर क्या होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है और यहां पर रिडक्शन होता है। क्लियर, ऑक्सीडेशन वाला क्या है एनोड, रिडक्शन वाला क्या है आपका कैथोड। ये क्लियर हो गया आपका, बैटरी आपके सामने कनेक्ट है जिससे क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, समझ में आया होगा। आपका एक कंटेनर है, इसमें आपका क्या हुआ HCl सॉल्यूशन फिल कर रखा है, इसकी तरह बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलाइट की तरह, दो प्लेटिनम मेटल के इलेक्ट्रोड है राइट, जो किससे कनेक्ट हो रहे हैं आपके बैटरी से, डिप कर रखे हैं अपन ने, जो कंप्लीट क्या कर रहा है बैटरी के द्वारा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कर रहा है। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड है, वहां पर कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी, ऑक्सीडेशन, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका कैथोड है, वहां पर कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी आपकी रिडक्शन। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका लास्ट पार्ट पे चलते हैं अपन, कौन सा केमिकल रिएक्शन, किसकी बात करते हैं अपन केमिकल रिएक्शन की, किसकी बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, क्योंकि यहां पर अपन को कौन सी एनर्जी ऑब्टेन करवानी है, केमिकल एनर्जी, कौन सी केमिकल एनर्जी। देखिए बेटा यहां पर सबसे पहले अपने पास में जो HCl है, ये HCl आपका एक्वस है, किसमें कन्वर्ट होगा H++ Cl- में, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट मीन्स क्या होगा, दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए आपके सामने है HCl किसमें कन्वर्ट हो गया H+ में और Cl- में। अब देखिए आप एनोड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर कौन सा कौन जाएगा आपका HCl- आएगा। कैथोड कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस पे जाएगा आपका, मतलब यहां की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर इस सरफेस पे, किस पे, इस वाली सरफेस पे कौन से आयंस आ जाएंगे अपने पास में, Cl- आयन आ जाएंगे, और इस वाली सरफेस पे कौन से आयन आएंगे अपने पास में H+। ये तो आप समझ गए होंगे, बिकॉज आफ्टर डिसोसिएशन आयंस माइग्रेट टूवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयंस माइग्रेट टूवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज क्लियर। तो यहां पर आपका Cl- तो
मूव कर रहा है एनोड की ओर और यहां पर एच प्लस मूव कर रहा है कैथोड की ओर। अब देखो यहां पर रिएक्शन, एनोड कौन सा होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, राइट। एनोड पे कौन सा है, सीएल माइनस, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या बनाएगा सीएल प्लस इलेक्ट्रॉन। अब सीएल आपको क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, या तो इसको हाफ सीएल टू कर लो, बट यहाँ अपने ये भी तो कर सकते हैं टू सीएल माइनस, तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगी सीएल टू, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या होता है ऑक्सीडेशन, है ना, इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या होता है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी आपकी सीएल टू गैस। नेक्स्ट है आपकी कैथोड पे बात करते हैं अपन, क्या होता है आपका रिडक्शन, कैथोड पे कौन से आयन है एच प्लस, यहाँ भी टू ले लो, क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपके इधर से कहाँ जाएंगे इधर, क्योंकि एनोड से क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का रिलीजिंग, कहाँ जाएंगे वो कैथोड की ओर, तो अपने पास में क्या होगा प्लस टू इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगी अपने पास में एच टू गैस, क्या बन जाएगी अपने पास में एच टू गैस। अगर अपन फाइनली लें तो आपके टू एच प्लस प्लस टू सी एल माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एच सी एल, दैट इज क्लियर, है ना। ये अपने पास में एनोड की रिएक्शन है, ये कैथोड की रिएक्शन है और ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है, कोई डाउट है। एनोड पे कौन गया सी एल माइनस, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, कैसे हुआ बाय द रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए कैथोड़ पे, कैथोड़ पे कौन है एच प्लस, एच प्लस ने क्या किया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, क्या फॉर्मेशन होगी एच टू गैस। दैट मीन्स एट एनोड वी ऑब्टेन सी एल टू गैस, एट कैथोड़ वी ऑब्टेन एच टू गैस, एंड इलेक्ट्रॉन मूव एनोड टू कैथोड़, इलेक्ट्रिसिटी मूव कैथोड़ टू एनोड, that is clear, this is the chemical reaction of this cell. और इस cell में अपने पास में दोनों तरफ के जो है वो क्या है electrically neutral है, ठीक है neutral है, तो anode पे अपनों क्या obtain हुआ Cl2 gas, cathode पे क्या obtain हुई H2 gas, these are the product of this cell via electrical energy convert into chemical energy. और ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, कब बंद हो सकती है, या तो क्या हो आपका सर्किट जो हो अपने पास में वो क्या हो जाए बंद हो जाए, सर्किट क्लोज हो जाए, क्या हो जाए आपका सर्किट क्लोज हो जाए, उस कंडीशन में ये रिएक्शन रुक जाएगी, या फिर HCl आपका पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाए, HCl क्या हो बेटा पूरा पूरा डिकम्पोज हो जाए, उस कंडीशन में ये रिएक्शन आपकी क्या होगी बंद हो जाएगी, मतलब आपका सेल बंद हो जाएगा, क्लियर। दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एनी डाउट है किसी को, डाउट नहीं होना चाहिए डाउट आपको, आई होप ये पूरा सेल आपको समझ में आया होगा, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।